हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग अपने वेबसाइट में RSS फीड विजिट ऐड कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में और देखते हैं। सो गाइस, हम लोग अपने डैशबोर्ड में आ चुके हैं और हमें जाना है अपीयरेंस में, उसके बाद हमें आना है विजिट में। विजिट में आने के बाद हमें क्या करना है, प्लस बटन पर क्लिक करना है। अच्छा, हम लोग रिसेंट पोस्ट के नीचे इसको हम लोग इंसर्ट करेंगे विजिट को। आपको दे सकते हैं पिछले वीडियो में हम लोग देखा था कैसे हम लोग थंबनेल के साथ रिसेंट पोस्ट को ऐड करते हैं। तो हमें इस रिसेंट पोस्ट के नीचे RSS फीड चाहिए, तो हम आते हैं इस प्लस बटन पर क्लिक करते हैं और RSS फीड, देखिए ये वाले सेक्शन को क्लिक करना, RSS वाईफाई जैसा इसका सिंबल है, इसको क्लिक करना है। और उसके बाद आप देख सकते हैं बहुत सारी यहाँ पे लिंक्स आ रही हैं, तो आपको इस लिंक्स को ध्यान नहीं देना, हमें प्लस बटन पर क्लिक करना है और यहाँ लिखना है क्रिकेट RSS फीड URL, क्लिक करना है और इस पहले वाले लिंक पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको इंडिया पर क्लिक करना है। इंडिया पर क्लिक करने के बाद आपको ये वाली URL को कॉपी कर लेना है, पूरी URL को कॉपी कर लेना और आना अपने डैशबोर्ड में और इस RSS फीड में आकर के इस फील्ड में आकर के पेस्ट कर देना है। तो देखिए ये आ चुकी है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपडेट कर देना है। यस, अपडेट हो चुका है। अगर समझ में नहीं आया तो आप फिर से इसको कर सकते हैं, RSS फीड को लेना है और जो मैंने इसको कॉपी किया था, फिर से मैं कॉपी करके दिखा देती हूँ, कॉपी और इसको पेस्ट कर देना और यहाँ से अपडेट कर देना। आप इस सेक्शन को डिलीट कर दीजिए, किसी एक सेक्शन को डिलीट करना होगा, मैं इसको डिलीट कर दिया और अपडेट कर दीजिए और आना है रिफ्रेश कर देना। आप नीचे देखिए, देखिए आ चुका है रोहित शर्मा बैट्स फॉर विराट कोहली अगेन, अमित शाह, ये सब क्या है, ये सब रिसेंट पोस्टेज है ये सब, ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको बता देती हूँ कि रिसेंट पोस्ट मीन्स क्या, RSS फीड होता क्या है। पहले मैं इसको क्लियर कर देती हूँ कि RSS फीड होता क्या है। तो देखिए, व्हाट इज RSS फीड। RSS फीड एक वेब फीड होता है जो आपको रेगुलर कंटेंट, रेगुलर अपडेट्स को वेबसाइट में दिखाता है या किसी ब्लॉग में दिखाता है, किसके चॉइस के अनुसार, जो यूजर्स ऑडियंस देखना चाहते हैं आपके वेबसाइट पर, वो जो अपने चॉइस के अनुसार किसी भी वेबसाइट पे दिए गए RSS फीड को क्लिक करके अपने चॉइस के अनुसार देख सकते हैं, किसी ब्लॉग पर जाकर के, किसी वेबसाइट पर जाकर के। RSS फीड जो है ये बहुत इजी है यूजर्स, मतलब अट्रैक्ट करने के लिए, यूजर अपने वेबसाइट पे यूजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बेस्ट चॉइस है। RSS फीड हमें अपने वेबसाइट में रखनी ही चाहिए और ये हमारे वेबसाइट में जो ऑडियंस की रीच है उसको भी ग्रो कर देता है और हमारे वेबसाइट को बिल्ड करने में तो करता ही है, और हमारे ऑडियंस भी बहुत आते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन भी बढ़ता है हमारे कंटेंट के ऊपर। तो ये RSS फीड की बेनिफिट्स हैं जो हमें अपने वेबसाइट में यूज करनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में मैंने इतना ही बताया कि हम लोग कैसे अपने वेबसाइट में RSS फीड विजिट में ऐड करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोस में, टिल देन थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।